गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे, आज हम लोग उसी नीलकंठ के शेष भाग को जो है नीलकंठ यानी कि उस मोर की कहानी जो पढ़ रहे हैं, जो ईतर के रूप में जो है पहले बच्चे के रूप में दिख रहा था, अब वही जो है मोर के रूप में जो है। गुड मॉर्निंग सर। आगे हम बोलते हैं कि उस चिड़िया की हम बात कर रहे थे जब महादेव सर। वीडियो नहीं आ रहा है। नो सर। यस सर, आपका वीडियो हट जा रहा है सर, डबल क्लिक करने पे आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है सर। देखो नेटवर्क समस्या कुछ हो सकती है, यहाँ तो क्लियर है। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अपग्रेड हो रहा है ना, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं। चलिए, आवाज जा रही है ना स्पष्ट? यस सर, आवाज जा रही है, आवाज से काम चला लेंगे। आ गई सर, वीडियो आ गई, वीडियो आ गई। यस प्राइम। देखिए, तो उस दिन हम लोग बातें कर रहे थे कि ये महादेवी वर्मा जो एक कवित्री हैं, जो दो बच्चों को उन्होंने जो है खरीदा और ये बच्चे चिड़िया मार वाले दे गए थे उस दुकानदार को 30 रुपए में, लेकिन वह उसको जो है ईमान धर्म के नाम पर सब कहते हुए वह दुकानदार उनको 35 रुपया में जो है बेच दिया। जब वो घर लाती हैं तो लोग उन्हें कहते हैं कि ये तो ये उसके बच्चे नहीं है। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं 15 नीलकंठ। यस सर, नीलकंठ। ठीक है, यस सर। तो बातें हम कर रहे थे कि जब वो महादेवी वर्मा जब इस बात को जो है समझी तो उनको और थोड़ा सा गुस्सा जैसे आने लगा कि जब कभी भी कोई सामान हम लाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये तो नकली है। तो इस बार भी मैंने जब इन मोर के जो है सावकों को लाया तो ये लोग कह रहे हैं कि ये तो मोर नहीं बल्कि तीतर हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है अप्रसन्न होती हैं वो। ठीक है, और उसमें अप्रसन्न देख करके और कहती है कोई बात नहीं, मैं तीतर ही जो है पाल लूंगी, जबकि वे बच्चे जो है वास्तविक रूप से मोर के ही हैं और वो दोनों जो है मोर के बच्चों को धीरे धीरे पालने लगती हैं, बड़े होने लगते हैं, उनके जो कायाकल्प जो होते हैं, जो उनकी बनावट होती है वो सामने जो है आने लगती है और इस प्रकार से वह लगने लगता है। तीतर कैसा पक्षी होता है? तीतर भी मोर की तरह ही होता है, लेकिन मोर की तरह वो कलरफुल नहीं होता, मतलब रंगीन नहीं होता है, वो नीले रंग का नहीं होता, पंख नहीं होते। अच्छे पंख तो सभी के होते हैं, बिना पंख का पक्षी कैसे है ना। तो उसके बाद की बात है कि जब वो मोर के बच्चे जब बड़े हुए और उनके उनके आवास में, उनके जो है ऑफिस में जब गंदगियां करने लगे, तब जो है उनको लगा ये तो इन लोगों को कहीं दूसरे जगह ही रखना जरूरी है, और इसीलिए वो चिड़ियाघर के उस जो है रूम में ले जाकर जो है रख देती हैं। अब वहां एक बिल्ली थी जिसका नाम था मरजार, माने बिल्ला, बिल्ली होता है, और चित्रा नाम था उसका, है ना, बिल्ली का नाम चित्रा। तो वो भी थी, वह बहुत ही करीबी थी उस महादेवी वर्मा की, लेकिन जब ये दोनों पक्षियां जाती हैं तो उसको लगता है थोड़ा ईर्ष्या की भावना हो जाता है कि ये लोग इतने करीबी कैसे हैं, ये बच्चे इतने पास में कैसे बैठ रहे हैं, सोफे पर कैसे बैठ रहे हैं, उसको थोड़ा सा ईर्ष्या होने लगती है।
फिर आगे कह रहे हैं कि जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाघर के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचा, जो उनके जीव जंतुओं के रहने का एक निवास स्थान था, और उसी घर में ले जाकर इन दोनों पक्षियों को, जो है दोनों सावकों को, जो है वहां पहुंचा देती हैं। ये जब दोनों जो है नवागंतुक वहां जाते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के वहां पक्षी और कुछ जीव जंतु हैं जो उनसे जो है गुटरगू करने लगते हैं। कोई जो है उन्हें उनके पास दौड़ने लगता है, कोई नाचने लगता है, या कोई सभासदों के समान क्रम से बैठकर बड़ी भंगिमा की तरह निरीक्षण करने लगता है, और कोई जो है उनकी गद्दी जैसे खरगोश उनके चारों तरफ उछल कूद जो है मचाने लगते हैं। और इस तरह से कोई कोई जैसे तोते, मानो तो आंख जो है एक बंद करके एक आंख से जो है देख के निरीक्षण कर रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं कि ये चिड़ियाघर में क्या हो गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, उनका कायाकल्प वैसा ही जो है बढ़ने लगता है जैसा जो तितली का, जो है धीरे धीरे तितलियां जब बढ़ती हैं, छोटी होती हैं और बड़ी रूप में हो जाती हैं, तो उनकी पंख आने लगते हैं, उनके पंख पर भिन्न भिन्न कलर रंग के जो है चित्र आने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनके गर्दन पर, उनके पंख पर, अनेक जगहों पर जो है चित्र जो है प्रकट होने लगते हैं। और कह रहे कि अगर देखा जाए तो मोर और मोरनी दोनों में अंतर होता है बहुत बड़ा। हम पहचान सकते हैं कैसे, कि जो मोरनी होती है उसका पंख बहुत ही लंबा नहीं होता है, लेकिन जो मोर होता है उसका पंख लंबा होता है, और मोर नाचता है, मोरनी नहीं नाचती है। क्योंकि जिसका लंबा पंख होता है वो अपने पंख को पूरा जो है फैला देता है और वो चंद्राकार हो जाता है, चंद्राकार का पूरा जो है नीचे तक हो जाता है, और उसके बाद वो बहुत ही आकर्षित करने वाला हो जाता है। जबकि जो मोरनी होती है उसका पंख उतना बड़ा ना होने के कारण वह जो है अपने पंख को जो है उस तरह से फैला नहीं पाती और वो नाचती नहीं है। जबकि जो नर मोर होते हैं वही नाचते हैं, वही उनके उनके पंख जो है बड़े बड़े होते हैं, हम इससे उनको पहचान सकते हैं। ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से मोरनी का विकास तो मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी लंबी धूप छाई जो गर्दन थी, जिसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र थे, हवा में चंचल उसकी कलंगी जो सिर के ऊपर होती है, और पंखों की काले और सफेद रंग की पत्रलेखा जो मंथर होती है, वो धीरे धीरे मोर की जो है साथ रहने का एक सहचरणी बनने लगा। सहचरणी से मतलब है कि उसके साथ रहने वाला एक साथी की तरह दिखने लगी मोर, जो मोरनी थी। क्योंकि मोरनी के पंख तो उस तरह से बहुत चमकीले नहीं होते जितना जो है नर मोर का होता है, तो जो मोर का होता है, लेकिन मोरनी का जो गला होता है वो मोर की तरह ही होता है, वो भी जो है बहुत ही रंगीन और भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से जो है भरा होता है। जबकि जो मोर होता है उसका पंख जो है बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही आकर्षक होता है, जबकि जो मोरनी होती है उसका पंख लंबा ना होने के कारण छोटा ही होता है और उस पर बहुत ही कलाकृतियां या चित्र नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से उसके साथ जब उसके गर्दन का जो एक समानता जो है होता है, तो यह लगता है कि यह जो है साथ में रहने वाले सहचरणी के रूप में है। नीलाम ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर नीले रंग का उसका ग्रीवा जो था, इसलिए उसका नाम जो है मोर रखा जाता है। नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण जो है मोरनी का जो है नामकरण जो है राधा रख दिया जाता है। अब ये कह रहा है कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया।
सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने के लिए दौड़ पड़ता था। यानी कवित्री ये कहना चाह रही है कि नीलकंठ, उनको ये नहीं मालूम कि नीलकंठ ने चिड़ियाघर के जो निवासी जीव जंतु थे उनका सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया गया। मतलब सभी के तरफ से, सभी पक्षियों के तरफ से, जंतुओं के तरफ से सेनापति और संरक्षक के रूप में जो मान लिया गया। सुबह सुबह सब खरगोश कबूतर आदि सेना एकत्र कर और उस ओर ले जाता जहां दाना जो है दिया जाता था और वो घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे जो है चोंचों के प्रहार से उसको जो है दंड देने के लिए दौड़ा लेता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता था। यानी जब कोई भी जो है किसी प्रकार की जो है उसको एक दूसरे को परेशान करने का काम करते थे या दाना डालने पर किसी दूसरे को परेशान करते थे तो यह जो मोर था या जो मोरनी थी ये जो है खरगोशों के कान, यानी खरगोश थोड़ा ज्यादा चालाक होते हैं और वहां पर परेशान करते थे इसलिए खरगोश के कानों को पकड़ लेता था और उठा लेता था कुछ ऊंचाई तक और तब तक जो है पकड़े रहता जब तक कि वो रोने नहीं लगते। आर्त कंदरन का मतलब वह रोने नहीं लगते थे तब तक जो है ऊपर उठाए रहता था और जब बहुत ही परेशान हो जाते तो नीचे रख देता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता। कर्णभेद संस्कार का मतलब होता है कि जैसे लड़कियों का कान जो है छेदा जाता है, एक संस्कार है ये भी पुराने समय से ही, तो इसीलिए कर्ण भेद संस्कार कर रहा है कि जब कभी कभी ये अपने चोंच से जो पकड़ता था तो उनके जो बच्चे थे या जो खरगोश होते थे उनका भी जो है कर्ण भेद संस्कार हो जाता था, यानी कि उनका भी कान जो है उसके चोंच से छिद जाता था, वो भी जो है वो संस्कार हो जाता था। तो कह रहा है कि इस तरह से वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते, अर्थात सब लोग जानते थे कि ये तो अपने चोंच से ही मार देगा और पक्षी भारी भरकम भी है इसलिए दूसरे अब जीव जंतु इसको परेशान नहीं करते और न उसे लगने का प्रयास करते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल सा खेलते रहते थे। यानी यहाँ पर कवित्री ये कहना चाह रही हैं कि जो जीव जंतु थे उनका आपस में जो प्रेम था बहुत ही असाधारण, मतलब बहुत ही विशेष प्रकार का था, एक सामान्य नहीं था, बहुत ही विशेष था। और वह प्रायः मिट्टी में अपने पंख फैलाकर और लंबी पूंछ से अपने को जो है दौड़ा, जैसे बच्चे जो है आइस पाइस खेलते हैं या दौड़ के एक दूसरे को छूने का प्रयास करते थे उसी तरीके से ये जीव जंतु भी जो है अपना खेल जो है करते थे। क्योंकि हर एक जानवर का जो एक नेचर होता है, जो उसका स्वभाव होता है, लगभग एक ही समान होता है, भले ही हम उनकी बातों को जो है न समझ सकें या हमारी बातों को वो न समझ सके, लेकिन जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो उनका स्वभाव होता है, तो ये सभी जानवर जीव जंतुओं
व्यक्ति सभी का जो है एक समान सा दिखने वाला होता है। वे भी कभी खेलते हैं, एक दूसरे को गुदगुदाते हैं, और कभी दौड़ते हैं, कभी पकड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक बच्चा एक दूसरे से खेलते समय करता है, ठीक उसी तरीके से जानवर भी करते हैं, पक्षियां भी करती हैं, और ये भी जो है आपस में एक दूसरे से जो है खेल खेल में दौड़ दौड़ करके एक दूसरे से जो है पकड़ने का काम करते हैं या छूने का काम करते हैं। फिर जो खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता, नहीं है, कह रहा है कि इस प्रकार वह ऐसी स्थिति किसी भी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया और निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर के से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश घायल हो सकता है, क्योंकि आपने हम पहले दिन ही बताया था कि जो मोर होते हैं या मोरनी होते हैं ये सर्प के दुश्मन होते हैं, यानी कि ये सर्पों को जो है खा जाते हैं, इनको बहुत तेजी से मार देते हैं, और सर्प जो है बहुत ही डरते हैं इनसे भी और नेवले से भी डरते हैं, क्योंकि नेवला भी जो है बहुत ही इनका विरोधी होता है, और नेवला को अगर ये काट भी ले तो नेवला को कुछ नहीं होता है। ये प्रकृति ने ऐसा बना दिया है इनके विरोधियों को कि अगर ये काट भी लेते हैं, विष उसमें डाल भी देते हैं, तो भी कुछ नहीं प्रभाव पड़ता इन दोनों को। तो इसलिए ये दोनों जानवर या पक्षी सर्पों को जो है मारने से थोड़ा भी कतराते नहीं है और डरते भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये डरते भी नहीं, और इस तरह से हम ये जान सकते हैं उसी तरीके से कहीं से उस चिड़ियाघर में कोई सांप जो है आ जाता है और आने के बाद सभी जो जीव जंतु हैं इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन एक खरगोश का बच्चा है वो पकड़ में आ जाता है और खरगोश के बच्चे के पिछले हिस्से को जो है वो पकड़ लेता है और उसको निगलने लगता है। आधा जो है वो अपने मुंह में दबा लिया होता है और वह जो खरगोश का बच्चा है अब बहुत तेज चीख नहीं पाता है, वो थोड़ी सी जो है ची ची की आवाज जो है आती है, लेकिन यह जो मोर है यह किसी पेड़ पर बैठा हुआ झूला झूल रहा था, लेकिन इसके कानों में जैसे ही ची ची की आवाज सुनाई थी वो तुरंत भांप जाता है उस समय को, और भांप कर तुरंत जो है दौड़ कर उस चिड़ियाघर में आकर और तुरंत उसको मारने का प्रयास करता है। लेकिन अगर ये सोचता है इसके फन पर अगर हम मार देते हैं तो यह खरगोश भी घायल हो जाएगा, इसलिए उसको जो है दूसरे तरीके से मारने का प्रयास करता है। और वही बात होती है, उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो गया परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा। यानी कि आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हों चाहे अन्य किसी जीव को, जब वो सर पकड़ ले और वो विष जब अपना जो है उसको प्रभावित कर दे, यानी काट करके विष उसमें चला जाए, तो भाई मर तो जाएंगे ही कोई भी, लेकिन जो मोर था वो तो डरता नहीं था, वो मान के चलता है कि कितना हूं बड़ा हमारा जो है कितना हूं बड़ा सर्प हो उसको मार देगा। तो इसलिए वह तुरंत जो है उसके फन पर इतना प्रहार करता है, इतना ज्यादा प्रहार करता है
कि वो घायल हो जाता है, और जब घायल हो गया तो अब उसका बल काम नहीं करता है, यहाँ तक कि उसके आंखों में भी जो है चोंच मार देते हैं, इतने तेज होते हैं ये, उनके आंखों में मार देते हैं, उनके फन पर पीछे भी मार देंगे, यहाँ तक कि उनके उनको बहुत ज्यादा पकड़कर वो निगलते नहीं, न काटते हैं, वो इतना मार देते हैं चोंच से कि वो घायल हो जाता है। जैसे नेवला भी होता है तो नेवला का भी काम यही होता है, वो निगलता नहीं है लेकिन इतना थका देता है, नेवला बहुत तेज होते हैं, वो किसी तरीके से उछल करके कभी इधर कभी उधर कभी इधर, और सर्प को मोड़ने में अपने शरीर जैसे खड़ा अगर सर्प है तो कभी जो है अगर एक तरफ घूम रहा है, कभी जो है इधर से कोई वार करता है तुरंत उछल के पीछे आ जाते हैं, पीछे से वार करते हैं, तो इस तरह से सर्प को मुड़ने में समस्याएं होती हैं, परेशानी होती है अपने सिर को मुड़ाने में। तो जब बार बार ऐसा करता है और वो आधा घंटा इसी तरह अगर कर देता है तो सर्प थक जाता है, एकदम थक जाता है, जिससे वो एकदम निस्तेज हो जाता, मतलब कि वह अब क्रियाशील नहीं रहता है, और अंत में उसके बाद उनको कई जगहों से काट देता है, और जब काट देगा तो निश्चित रूप से वह सर्प जय धाराशाही हो जाता है, और उसके बाद सारा बल उसका जो है खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी खरगोश का बच्चा जो है मुख से तो निकल गया लेकिन निश्चेत वह वहीं पड़ा रहा, राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी, यानी माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे नीलकंठ, जब सांप के दो खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास पहुंचा और रात भर उसे पंजों के नीचे उसे उष्णता जो है देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी आवाज केका करके जो है बोलते हैं, तो जब ये ऐसा जो है सोचा कि राधा से किसी प्रकार की वो सहायता लेना समझा नहीं और केका केका बोलकर इस असामान्य घटना को सभी जीव जंतुओं को बता देता है। जो जीव जंतु होते हैं इसमें जो है सूंघने की बहुत प्रबल क्षमता होती है, हम जो है उतना तेज नहीं सूंघ सकते, लेकिन बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो उसका बच्चा चाहे उसका कोई पेरेंट्स उसका माता पिता अगर कहीं छोड़ के चला जाता है तो उसके उसको सूंघ करके उसकी गंध से और उसके रास्ते की तरफ वो जा सकते हैं, इतनी बड़ी तीव्र उसको प्रकृति ने जो है सूंघने की क्षमता दी है। और किसी भी घटना का आभास पक्षियों और जानवरों को बहुत तेज होता है, हम लोग नहीं समझ पाते कि ऐसा होता होगा, लेकिन अगर कोई पक्षी है, बहुत ऐसे पक्षी हैं जानवर भी हैं, उनको आभास हो जाता है कि कोई घटना जो है घटने वाली है और उसका संकेत भी देने लगते हैं, जिससे जो है उस व्यक्ति को या उसके सगे संबंधियों को जो है जो जानकार होते हैं वो मालूम भी चल जाता है, और नहीं तो जो व्यक्ति के साथ घटना होनी होती है उसको भी एक संकेत मिल जाता है, लेकिन वह व्यक्ति अगर समय से उसको जो है भांप नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि ऐसा होने वाला है। और इसी तरीके से नीलकंठ के पास जब सभी लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नीलकंठ ने सांप के दो टुकड़े जो है कर दिया है, और उसके बाद जो नीलकंठ था उस खरगोश के बच्चे के पास गया, रात भर उसने अपने पंखों के नीचे जो है रख करके उसको जो है गर्मी दी, और ये कवित्री जी कह रही हैं कि कार्तिकेय ने इस पक्षी का चुनाव क्यों किया होगा, अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर क्यों को ही क्यों चुना होगा, उस पक्षी का जो रूप है स्वभाव है देखकर समझ में आ जाता है। यानी आप समझ सकते हैं
एक और बात कही जाती है, जैसे आप शिव परिवार में आप देख सकते हैं कि शिव परिवार में क्या है, शिव जी का वाहन बैल होता है, अर्थात नंदी होती हैं, नंदी होते हैं, उसके बाद सर्प भी होता है, और सर्प के साथ वहां उसका विरोधी भी, यानी कि वहीं जो है जो माता पार्वती जो होती हैं, वही जो है शेर होता है उनका, यानी कि बैल का जो है ठीक विरोधी, फिर वहीं पर जो है सर्प है, और सर्प का ठीक विरोधी जो है वहां मोर भी है, फिर शिव जी के जो मस्तक होते हैं उस पर सिर के पास में जो है चंद्रमा भी होता है, तीसरी आंख सूर्य भी होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी चीजें वहां पर हैं, लेकिन किसी में किसी प्रकार की जो विभिन्नता नहीं है, सब एक समान है, यानी सब लोग मिलजुल कर वहां रहने वाले हैं, किसी में कोई भी जो है भेद नहीं है। तो ये संकेत देता है कि ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत ही जो है नीचे तबके का है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, ना किसी प्रकार के आपस में मतभेद होना चाहिए, ये सभी लोग एक हैं और एक समान तरीके से जो है रहना चाहिए, ये संकेत भी देता है। तो इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये युद्ध वाहन के लिए जो है ये बता रहे हैं कि कार्तिकेय जो शिव जी के जो है पुत्र हैं, ये क्यों जो है इस वाहन के रूप में इनको जो है चुना होगा, आप इसी बात से जो है समझ सकते हैं। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है, इसे उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। यानी बाज और चील या जो गिद्ध होते हैं ये बहुत ही तेज और ये हिंसक जो है पक्षी होते हैं, किसी भी छोटे पक्षी को ये बहुत ही तेजी से जो है अपना ग्रास बना सकते हैं, अर्थात तुरंत मार देते हैं, और मारने के साथ ही ये चील बाज जो है अपने पंजों में जो है इनको दबा करके और लेके जो है उड़ सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत ही छोटे बच्चे को भी जो चील होता है या गिद्ध होता है ये दबा सकते हैं, इतने इनमें शक्ति होती है। तो इसलिए ये बहुत ही हिंसक प्रकार के होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये केवल जो है मांस भक्षण करने वाले होते हैं, जैसे कि शेर है। तो कहने का तात्पर्य कि मोर जो है उतना ये हिंसक नहीं होता है, मोर तो बहुत ही कलाप्रिय होता है, लेकिन इसकी दुश्मनी किससे होती है, केवल सर्प से होती है। यानी ये संकेत देने का प्रयास करते हैं कि जो विषधर है, विष को जो है बोने वाला है, तो उसको वो नष्ट करने वाला भी है। यानी इस प्रकृति में हम देख सकते हैं कि हर एक चीजों का जो है काट है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा हो गया, ऐसा वरदान पा गया तो उसका कोई काट नहीं है, है ठीक उसी प्रकार से इस संसार में हर एक जीव जंतुओं का, हर एक पक्षी का, हर एक व्यक्ति का जो घमंड तोड़ने के लिए कोई ना कोई है उसके विरोध में। तो इसीलिए यह हम देख सकते हैं कि जब नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाए में अपनी इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर सा जाता था। यानी नीलकंठ को अगर देखा जाए तो उसकी जो विशेषताएं हैं एक विशेष प्रकार की हो गई, और उनका जो मानवीकरण है, मानवीकरण से मतलब है कि मानवीकरण हम उसी को कहते हैं कि जब किसी में एक तरह से मानव की तरह ही गुण जो है परिलक्षित होने लगे, तो वो मानवीकरण के जो उसे संदर्भित किया जाता है।
तो जैसे नाचना, और कोई ऐसा पक्षियां नहीं होती जो नाचती हैं, लेकिन मोर जो है हम देख सकते हैं कि नाचते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि मानवीकरण भी हो गया, और जब मेघों यानी बादल जब लगती है सावन के महीने में या भादो के महीने में, जब भी जो है आकाश में बादल लगती हैं, तो उस समय इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे ये पंखों को मंडलाकार जो है बना करके और वो नाचने लगता है, और उसके नाचने में एक बहुत ही सहज भाव एक दिखाई देता है, जिससे वो घूम घूम करके एक बराबर वह घूम घूम करके समान तरीके से जो है नाचता हुआ बहुत ही सुशोभित होता है, और कभी दाएं कभी बाएं कभी जिधर उधर जो है वह नाचकर अपने को दूसरे को भी प्रशंसित करता है। और हमारी सबसे बड़ी जो चीज है, अगर देखें हम प्रकृति ने ही हमको सिखाया है कि जब आपके पास अगर कोई गुण है या कोई ऐसी वस्तु है जो आप दूसरे को देते हैं, तो दूसरा उससे बहुत ही प्रसन्न होता है और आपको भी उतना ही प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसी चीजों का आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे अगर हम बादल की बात करते हैं कि जब बादल खूब घना बादल छा जाता है और हमारी पृथ्वी जो धरती है वो एकदम सूखे से तप्त होती है, उस समय अगर बादल वर्षा कराता है तो वर्षा कराने वाला और जो है जल को लेने वाला दोनों लोग अति प्रसन्न होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बोथ आर वेरी प्लीजेंट टू ईच अदर, एंड दोनों एक दूसरे से बहुत ही सुखदायक उनको लगता है, क्योंकि एक जो है वह एकदम जो है किसी भी प्रकार का मतलब कि उसमें ऐसा भाव नहीं होता है जो अहम की भावना होती है कि हम ही देंगे तो ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं करता है बादल। तो वो जो है एकदम निश्चल भाव से वो देता है और पृथ्वी उसको ग्रहण कर लेती है, जिससे दोनों लोग जो है खुश होते हैं, दोनों लोग जो है प्रसन्न होते हैं। ठीक वही बात यहाँ भी है कि जब किसी के पास गुण होता है और निश्चल भाव से अगर वो गुण को वो ज्ञान को जब किसी को दे रहा होता है तो वो बहुत ही प्रसन्न होता है, लेकिन उसी के एवज में जो लोग ज्ञान को ले रहे होते हैं अगर वो भी प्रसन्न होते हैं कि कितनी अच्छी बात है, इतना हमने जो है ये सुना या गुरु जी से हमने ऐसा जो है जाना, दोनों लोगों की प्रसन्नता जब सेम होती है तो वह एक विशेष प्रकार का होता है। तो यही चीज जो है हम देख सकते हैं कि एक जो है दैवी है जिसको हम मान सकते हैं कि ये उसी की कृपा से ऐसा होता है कि दोनों लोग संतुष्ट होते हैं, यानी कि गिवर एंड रिसीवर दोनों लोग। तो ठीक जो है हम ये कह सकते हैं कि राधा नीलकंठ के समान तो नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाईं ओर निकल आती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत ही आता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से वह यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम जो है बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वो भयंकर बिस्तर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसे कोमलता से हौले हौले उठाकर खाया जाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। ये फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते हैं।
यानी कवित्री का ये मानना है कि जो राधा थी यानी कि जो मादा मोरनी थी यानी कि मादा मोर थी वह जो है नीलकंठ के समान तो नाच नहीं सकती थी, लेकिन उस जब वो नाचता था तब उसके दाएं और बाएं जैसे इस पंखों को छूते हुए फिर निकल जाती, फिर उधर से उस पंख को छूते हुए इधर निकल जाती, ऐसे करके उसको जो है प्रसन्नचित करने का या अपने को प्रसन्नचित होने का वह जो है ऐसा भाव जो है दिखाती थी। और इस प्रकार उसकी परिक्रमा ही एक लगता था कि एक तरीके से तालमय है, एक सुरमय ढंग से जो है यह हो रहा है। और उसका नृत्य बहुत उसे भाता है कि नहीं ये तो पता नहीं, ये तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन अचानक एक दिन महादेवी वर्मा जब वहां जाली घर के पास पहुंचते ही तो झूले से उतरकर वह जो है नीचे आ गया और वह अपना सतरंगी सात रंगों वाला वह अपना पंख जो है फैला करके और वह अपने छाता मंडलाकार जो है बना लेता है और उसी भंगिमा में जो है खड़ा हो गया। तब जो देसी विदेशी जितने आगंतुक थे वो देखकर जो है मंत्रमुग्ध हो जाते थे और विस्मित भी आश्चर्य भी हो जाते थे कि ये कैसा जो है प्रकृति ने इस जीव को बनाया है, इस पक्षी को बनाया है कि सहर्ष जो है यह किसी को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। आप नजदीक से कहीं से देखेंगे तो आप भी जो है बहुत ही आकर्षित हो सकते हैं। आप केवल चित्र में देखे होंगे या कहीं कहीं देख भी सकते होंगे। हम लोगों ने तो बहुत ही नजदीक से देखा है क्योंकि हम लोगों के तरफ मोर हैं तो इसलिए उसको नाचते हुए भी देखे हैं, उन लोगों को दौड़ते हुए भी देखे हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ठीक, अगर विदेशी महिलाएं जब कुछ वहां आती थी तो उनको जो है इन मोर को वो जेंटिल मैन की उपाधि दे डालती थी कि परफेक्ट रूप से जेंटिल मैन है। जब ये नाचते हैं तो दूसरे को प्रशंसित करते हैं, लेकिन जब वो हथेलियों पर कोई दाना देकर और खिलाने का प्रयास करती हैं तो बहुत ही आराम से यानी बहुत ही हम कह सकते हैं कि सनई सनई धीरे धीरे वह हथेलियों पर से उनके दानों को जो है चूकते थे और खाते थे। तो इसे लगता था कि कितना ये सरल स्वभाव के हैं इससे पता लग जाता है, क्योंकि कुछ पक्षी ऐसे भी होते कि जो थोड़ा तेज होते हैं जैसे बाज और चील की हमने बात की कि वो ऐसे नहीं करते और वो चूंकि मनुष्य के पास नहीं आते लेकिन बहुत ही क्रूर होते हैं। वो थोड़ा भी किसी के जो दूसरे पक्षियों को जो है अपने आगे नहीं लगाते, वो तुरंत जो है उनका शिकार कर लेते हैं। तो वैसा ये पक्षी नहीं है, ये तो बहुत ही प्रशंसित करने वाला है, लेकिन किसको मारने वाला है? यह केवल विषधर को मारने वाला है, जो विष फैलाने वाले हैं वैसे लोगों को मारने वाला है ये। तो प्रकृति ने ऐसे एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से ऐसे जय पक्षी का निर्माण किया जो विष फैलाने वाले को ही सफाया करता हो। तो ये प्रकृति की बहुत ही अद्भुत एक जो है बनावट है हम कह सकते हैं। और कह रहे कि इस प्रकार से वह फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित जो वृक्ष मानती थी, क्योंकि उनको उनके घर में या चारों तरफ ये मोर या मोरनी जो है चिड़ियाघर में हुआ करते थे, जिससे कि उनको मन को भा लेते थे। क्योंकि कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें होती हैं जो अनायासी मनुष्य को जो है अपने तरफ जो है खींच लेती है।